हेलो एंड वेलकम टू टेली एक्सप्रेस। दोस्तों, सीरियल अनुपमा में डिम्पी करने वाली है अनुपमा की फेयरवेल में सारी की सारी हदें पार। जी हाँ, अनुपमा का फेयरवेल नहीं होगा नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पर डिम्पी कुछ ऐसा कर देगी जिसकी वजह से अनुज को भी पहुँचना पड़ेगा अब खुद, कहीं और नहीं बल्कि शाह हाउस में, और जाकर वो एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है डिम्पी के खिलाफ। क्या करने वाला है और क्या होने वाला है, चलिए हम आपको बताएंगे पूरी खबर इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें। दोस्तों, सीरियल अनुपमा में अनुपमा की फेयरवेल का समय आ चुका है। हालांकि हम आपको एक और लेटेस्ट अपडेट जरूर बता दें, और वो ये कि अनुपमा अब US नहीं जा पाएगी। जी हाँ, कुछ ऐसा होने वाला है अनुपमा की जिंदगी में कि अनुपमा का सपना अधूरा नहीं रहेगा, बल्कि अनुपमा अपनी मर्जी से ये फैसला लेने वाली है। खैर, इसके साथ साथ आपको बताएं कि अब फेयरवेल पार्टी जो रखी गई है अनुपमा के लिए, और अनुपमा ऐसे में जाने वाली है पहले शाह हाउस में। इंतजार कर रहा होगा अपने कपाड़िया हाउस में अनुज अनुपमा का, और यहाँ पर माया प्लानिंग कर रही होगी कि किस तरह से वो अनुपमा को अपनी जिंदगी से हटा दे, उसको खत्म कर दे। लेकिन इसी दौरान सबसे बड़ा कदम डिम्पी उठा देगी शाह हाउस के अंदर। जब अनुपमा शाह हाउस में पहुंचेगी तो यहाँ पर डिम्पी बा ने जो खाना आमरस अनुपमा के लिए बनाया होगा, जिसको लेकर बा काफी ज्यादा खुश हो रही हैं, हलवा बना रही हैं अनुपमा के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि अनुपमा को उनके हाथ का हलवा खाकर खुशी मिलेगी। और जाहिर सी बात है कि अनुपमा को पसंद है बा के हाथ का खाना, लेकिन डिम्पी ये चाहती है कि सिर्फ उसी के हाथ का बना हुआ मीठा खाया जाए और उसी की वाहवाही हो, और इसलिए डिम्पी बा के आमरस में नमक मिला देगी। बा के आमरस को वो इतना खराब कर देगी और बा जो हलवा बनाएंगी उसके बाउल को गलती से गेर देगी, और ये दिखाएगी कि मतलब केरा उसने जानबूझ कर होगा, पर शो ये करेगी कि मानो उसने गलती से उसको गेर दिया हो। वेल, डिम्पी बहुत सारी चालें जब चल रही होगी तो यहाँ पर अनुपमा को शक हो जाएगा डिम्पी के ऊपर, और अनुपमा डिम्पी को बोलने लगेगी कि डिम्पी रिश्तों को निभाना सीखो, और तुमसे अगर नहीं निभ रहे हैं रिश्ते तो उन रिश्तों से डिस्टेंस बना लो। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान पाखी डिम्पी की हरकतों से परेशान हो जाएगी, क्योंकि वो भी वहीं पर होगी और पाखी समझ जाएगी कि जानबूझ कर डिम्पी ये सब कर रही है। और ऐसे में पाखी कर देगी अनुज को फोन और कह देगी कि आप देखिए हमेशा इसकी साइड लेते हैं ना, अब आप आकर बड़ी से समझाइए और इसकी अकल ठिकाने लगाइए। जिसके बाद अनुज शाह हाउस में आने वाला है, और शाह हाउस में आकर डिम्पी की वजह से उसका जो सर झुकने वाला है उसका वो बदला डिम्पी से लेगा। वो डिम्पी की हरकतों को जान जाएगा कि डिम्पी ने क्या कुछ किया है और वो कितना चिढ़ती है अनुपमा से और शाह फैमिली से। और ऐसे में अनुज डिम्पी के साथ अपने हर रिश्ते को तोड़ देगा और ये कहेगा कि डिम्पी तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुमसे अपने रिश्ते को रखूं, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊं, तुमने सारी हदें पार कर दी हैं, आज तुमने शर्म से मेरा सर झुकवा दिया है। वेल दोस्तों, अब देखना ये होगा कि अनुज का ये कदम क्या बदलाव लाएगा शो के अंदर, और किस तरह से यहाँ पर डिम्पी अब नया ड्रामा करेगी। क्या लगता है आपको, आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।